माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा डिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट, सपोज दिस इज योर लाइट रे इज कमिंग राइट, और इसके सामने अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है इसके सामने अगर लाइट रे के, ये इसके कॉर्नर से लाइट रे बेंड हो जाती है। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट एट एन एज ऑफ एनी कॉर्नर इज नोन एज योर डिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट, मैं इसको लिखता हूं, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हमें पता लग गई कि जब कोई भी लाइट रे, सपोज दिस इज ए बी, कोई लाइट रे है और ये किसी कॉर्नर से बेंड हो जाती है तो वहां डिफ्रैक्शन हो जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल इसका देखें, तो जैसे आपने एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं टॉर्च का। दिस इज योर टॉर्च राइट, सो इसके कॉर्नर से लाइट बेंड हो रही है राइट। सो दिस इज फिनोमेना इज योर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन हो रहा है। कहीं भी हम देखें, हेडलाइट देखें, कार की लाइट देखें, हम कोई भी लाइट का अगर देखें तो उसके कॉर्नर से लाइट जो बेंड हो रही है वहां पे हमारा जो फिनोमेना होगा वो डिफ्रैक्शन का होगा। तो डिफ्रैक्शन इज डिवाइडेड इंटू द टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में आती है हमारी, टू कैटेगरीज। फर्स्ट है हमारी फ्रेजनल्स और सेकेंड है हमारी फ्रानोफर। तो दो कैटेगरी आई हमारी, एक आई फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन, दूसरा है फ्रानोफर डिफ्रैक्शन। अब इन दोनों की जो हमारी कैटेगरीज है, इस कैटेगरीज को हम फिगर से अगर देखें, सो हम पहली फिगर की बात करते हैं। दिस इज योर सोर्स, एस हमारा सोर्स है और सोर्स से जो लाइट आ रही है हमारी। दिस इज योर स्लिट, ये स्लिट है, सपोज दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी स्लिट, तो ये इस तरह से एंड इट गोज टू द स्क्रीन, ये हमारी आपकी स्क्रीन है हमारी राइट। तो हम पहला केस इसे कहेंगे। दूसरा हम देते हैं, सपोज दिस इज योर सोर्स, एस सोर्स है हमारा राइट, और ये लाइट रे हमारी आ रही है राइट। इसके आगे हम लेंस लगा देते हैं, एक लेंस राइट, और लेंस से जो हमारी लाइट रे आ रही है स्ट्रेट आगे की ओर जा रही है हमारी, सपोज दिस इज योर स्लिट, ये हमारी स्लिट है हमारी राइट। और ये आगे हमने इसके स्क्रीन लगा दिया, ये दिस इज योर स्क्रीन, तो ये हमारी स्क्रीन पे जा रही है लाइट। दिस इज योर बी केस। सो अब हम इसको स्टडी करेंगे कि ए जो है केस हमारा राइट, ये दिस इज योर फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन। इन फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, आइदर द सोर्स ऑफ लाइट और द स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन, और बोथ, दोनों एट द फाइनाइट डिस्टेंस। किस डिस्टेंस पे है हमारे? फाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो जो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट कहलाया वो हमारा क्या कहलाया? फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन राइट। मैंने बताया कि अगर आपका ये सोर्स या आपकी स्क्रीन, इनमें से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे या दोनों ही फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, तो हमारा डिफ्रैक्शन कहलाएगा आपका फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन। हम इसकी बात करते हैं इस वाली बी फिगर की। बी फिगर में इन द फ्रानोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन द सोर्स ऑफ लाइट, यानी द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है हमारी, दिस वन, दिस इज द स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है, आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये किस पे है हमारी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है हमारी।
सो हमारी क्या कहलाया, हमारा ये हमारा कहलाया आपका आपका फ्रानोफर डिफ्रैक्शन, फ्रानोफर डिफ्रैक्शन, ये हमारा फ्रानोफर डिफ्रैक्शन कहलाया इसके अंदर से। तो इन दोनों की अगर हम डेफिनेशंस को देखें, यहां मैं आपके इजी के लिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं, इन इन फ्रेजनल्स, फर्स्ट डेफिनेशन अगर हम देखें, इन फ्रेजनल्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन आइदर द सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन और स्क्रीन और बोथ एट एट कहां पर है, ये हमारी फाइनाइट फाइनाइट डिस्टेंस। तो हमारा कौन सा हो गया, ये फ्रेजनल्स। सेकेंड वन इन फ्रानोफर, इन फ्रानोफर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में क्या होगा, तो इन फ्रानोफर डिफ्रैक्शन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन, स्क्रीन आर कैसी है, आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो हमारी क्या कहलाया, वो फ्रानोफर डिफ्रैक्शन, और ये कहलाया फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हमारी हो गई, बेंडिंग ऑफ लाइट एट एज ऑफ एनी कॉर्नर, दैट इज कॉल्ड अ डिफ्रैक्शन। देयर आर टू कैटेगरीज, फ्रेजनल्स एंड फ्रानोफर डिफ्रैक्शन, दो कैटेगरीज हो गई हमारी। तो ये एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है डिफ्रैक्शन के बारे के अंदर, राइट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो लाइट बेंड हो रही है, लाइट कॉर्नर से, ये लाइट क्यों बेंड हो रही है, इट वॉन्ट टू गो स्ट्रेट, इसको सीधे जाना चाहिए था, ऐसे लाइक दिस सीधे जाना चाहिए, बट इट बेंड अपवर्ड या इट बेंड्स डाउनवर्ड, दोनों ऊपर या नीचे की ओर बेंड हो जा रही है, क्यों इस कॉर्नर से बेंड हो जाती है। तो इसको जो है समझने के लिए हम इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके लिए जो हम निकालते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकालते हैं हम इस कॉर्नर पे, कि इस कॉर्नर पे लाइट कैसे बेंड हो रही है इसके अंदर से। तो माई डियर स्टूडेंट, दिस इज द ब्रीफ डिस्कशन ऑफ योर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन एंड टू कैटेगरीज। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है आपका, ज्यादा मार्क्स का नहीं आता, ये दो या तीन नंबर का ये क्वेश्चन इसमें से आता है कि डेफिनेशन इसकी आती है और इसकी कैटेगरीज आती है। ओके, थैंक यू।